तो पूरे YouTube में भी आप ढूंढ लोगे ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं चार जो कंक्रीट टेस्ट हमारे होते हैं, प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम स्लम टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं, टेम्परेचर टेस्ट करते हैं या रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं। ये वीडियोज़ आपको देखी भी होंगी हमारे चैनल पर, लेकिन आपके लिए फुल पैकेज में लेके आया हूँ फिर से कि कंप्लीट आप बैठ के कंप्लीट तीनों टेस्ट कर सकते हो और प्रैक्टिकली ये टेस्ट होंगे। आप साइट इंजीनियर हो या एग्जीक्यूशन फ्रेशर, जॉब नहीं मिल रही है तो आपको यह जरूर वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी नॉलेज मिलने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखना, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन नॉलेज काफी ज्यादा इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले स्लम टेस्ट से, फिर क्यूब टेस्ट करेंगे, फिर टेम्परेचर टेस्ट करेंगे और फिर रिबाउंड हैमर टेस्ट हम लोग करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है बस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लम कोन टेस्ट या स्लम टेस्ट, आप बोलो, आपने सुना ही होगा उसके बारे में। तो आज मैं उसका टोटल प्रोसीजर बताने वाला हूँ, आईएस कोड क्या कहता है, कितनी आपकी स्लम वैल्यू आनी चाहिए, कैसे हम करते हैं, सब प्रोसीजर स्टार्ट से एंड तक आपको बताने वाला हूँ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साइट पे स्लम टेस्ट होता ही होता है। जैसे अभी देखो ट्रांसमिक्सर आया स्लम, तो हमें जैसे ही कॉन्क्रीट आता है हमें स्लम टेस्ट करना होता है। पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कैसे कैसे होता है, उसके बाद मैं स्लम वैल्यूज़ बताऊँगा और इसके बारे में मेन मेन चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम करते क्यों स्लम टेस्ट, हम करते हैं इसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए कि जो कंक्रीट आया वो वर्केबल है कि नहीं है, या सेग्रीगेशन ब्लीडिंग वगैरह होगी नहीं होगी, ये सब हम स्लम टेस्ट से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो जो हमारा स्लम टेस्ट होगा उसको अच्छे से प्लेटफॉर्म बना के उसको अच्छे से उसको रख देना है और इसको भरना है आपको कितने, चार लेयर में। हमेशा याद रखना, एक कन्फ्यूज़न चीज़ है, चार लेयर में भरना है और हर लेयर में आपको 25 से 28 टैपिंग करनी है। जैसे देखो 16 mm की रॉड होगी आपकी और देखो टैपिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, ऐसे ही आपको 25 बार उसको ठोकते जाना है, मतलब नीचे। एक लेयर होगी, अभी डालते हैं हम दूसरी लेयर। मैंने कितनी लेयर कहा आपको, चार लेयर। और कन्फ्यूज़न कहाँ होती है इसमें, क्यूब जो होता है, क्यूब टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं जब हम क्यूब भरते हैं, तो उसमें हम तीन लेयर भरते हैं और 35 स्ट्रोक मारते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम चार लेयर में भरते हैं और कितनी, 25 स्ट्रोक मारते हैं हर लेयर में। देखो ऐसे ऐसे हम स्ट्रोक मारते जाएंगे उसको, और ये स्ट्रोक आपको जो मारनी है प्रॉपर वे से मारनी है कि नीचे आपका जो राउड होगी वो नीचे नहीं लगे, आपकी जो आपके नीचे प्लेटफॉर्म है उसमें नहीं, सिर्फ आपको कंक्रीट में ही इसको स्ट्रोक करते जाना है। ये हो गई हमारी दो लेयर, अभी हम करते हैं इसमें तीसरी लेयर। और जो आप लेयर डालोगे 1/4 के हिसाब से, मतलब प्रॉपर लेयर होनी चाहिए ये, क्योंकि ये इसकी हाइट कितनी होती है हमारी, 300 mm। तो 300 mm में आपको चार लेयरें भरनी है 75-75 mm की, ठीक है, और उसमें हर 75 mm के बाद आपको ये टैपिंग करनी है 25 mm की 25 बार, ठीक है। ये हमारा इसका मेन प्रोसेस रहता है। क्या था इसका मतलब, जो हाइट रहती है हमारी 300 mm, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसकी हाइट कितनी होती है 300 mm, जो नीचे का डाया होता है इसका कोन का वो होता है 200 mm, ऊपर का डाया होता है 100 mm, और जो हम रॉड यूज़ करते हैं उसका मतलब डाया कितना होता है 16 mm। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब भी आपको स्लम वैल्यू इसकी बारी आएगी तो ये चीज़ें पूछी जाती है। और जो स्लम वैल्यू है मतलब वो कैसी रहनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप एक बार प्रोसेस देख लो कैसे होता है, ठीक है। मतलब इसको ये जो हमारी लास्ट लेयर है इसको अच्छे से मार लेंगे पहले हम, साफ करते हैं चारों तरफ से, ठीक है। मतलब इसको जब आपका चार लेयर हो गया उसके बाद इसको अच्छे से प्रॉपर वे से फिनिश कर देना है। और जो भी प्रोसेस रहता है ये स्लम टेस्ट का, 2 मिनट में आपको इसको कंप्लीट करना है, लेयर करके जो सब करके पूरा प्रोसेस आपका 2 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो उसके बाद आपको इसको जो बोल्ट इसके स्क्रू रहते हैं इसको धीरे धीरे खोल के, और जो प्रोसेस रहेगा पूरा स्लोली स्लोली, अभी आप इसको उसको खोल लें, लूज एकदम गिर सकता है स्लम्प आपका, तो इसको स्क्रू खोल के धीरे से आपको इसको राउंड घुमाना है और धीरे धीरे इसको उठाते जाना है ऊपर। तो ये हो गया मतलब आपका कॉन्टेस्ट का। अभी मेन चीज़ जो देखनी है आपको, देखो ये जो हमारी 16 mm की रॉड है
इससे हम चेक करते हैं कि हमारा स्लंप कितना आ रहा है। देखो ये प्रोसेस रहता है, देखो कितना सिंपल था, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अभी देखो आपको सामने नहीं दिख रहा होगा इसमें, लेकिन हमारी वैल्यू आ रही है 100, देखो आपको दिख पा रहा होगा थोड़ा बहुत, तो हमारी वैल्यू है 160 mm। देखो हमारा स्लंप कितना आया, 160 mm। तो IS कोड 456-2000 क्या कहता है, आपकी स्लंप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो भी मैं बताता हूँ आगे, और दूसरा बताता हूँ कितने टाइप के हमारे स्लंप होते हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने टैपिंग करके चार लेयर करके इसको स्लंप को रेडी कर दिया है, क्योंकि जो भी आपका ट्रांजिट मिक्सचर आएगा, मतलब कंक्रीट का बैच आएगा, उसका आपको स्लंप टेस्ट करना होता है। तो देखो ये बैच आ गया हमारा, अभी इसका अगर हम स्लंप देखें कितना है, पहले वाले का आया था हमारा 160, अभी दूसरे का मैं बताता हूँ आपको और इसमें वैल्यू कितनी रहती है। तो वैसे ही हम धीरे धीरे इसको उठाते जाएंगे, तो हमारा ये स्लंप जो दिख रहा है अभी यहाँ से देखने से, तो इसमें थोड़ी वाटर रेशो ज़्यादा दिख रही है। क्यों, अभी मैं दिखाता हूँ इसका स्लंप कितना था, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि जो हमारा वाटर रेशो इसमें यूज़ किया गया है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर हम वैल्यू देखें, अगर आपको दिख रहा हो वैल्यू, तो हमारी आ रही है 190 या 200, मतलब 200 mm हमारा स्लंप मिल रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लंप है। और स्लंप ज़्यादा क्यों आ रहा है, मतलब 160 या 200 क्यों स्लंप है, अभी मैं बता दूँ पहले कि हमारा IS कोड क्या कहता है कि आपका स्लंप कितना कितना रहना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें भी IS कोड में इसको डिफ्रेंशिएट किया है, जो आपका मास कंक्रीट रहेगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी होगा कंक्रीट की, एक बड़ी फुटिंग है उसमें आपका 200-300 mm³ एक साथ जाता है, तो उस दौरान आपका रहता है 25-75 mm आपका स्लंप रहता है। अगर लाइट रीइंफोर्समेंट है, मतलब मैश थोड़ा कम है, लाइट रीइंफोर्समेंट इन द सेंस कि जो आपका सरिया है वो पास नहीं है, उसकी स्पेसिंग ज़्यादा है, तो उस दौरान भी आपका कितना 25-75 mm रहेगा, ये याद रखना। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कनाल की लाइनिंग होती है, मतलब स्लोप में जो भी वर्क होगा उसका स्लंप जो रहता है वो रहता है 75-100 mm। स्ट्रिप फुटिंग होगी, उसमें हैवी रीइंफोर्समेंट का हो गया, बीम का, कॉलम का, स्लैब का, मतलब बहुत ज़्यादा अगर रिंग वगैरह है कॉलम में, जहाँ उसमें जो स्लैब का सरिया बहुत मैशी है या डाया बहुत है और स्पेसिंग कम है, तो उस दौरान हमारा रहता है 75-100 mm स्लम। फिर आता है पंप कंक्रीट, अगर आपका पंपेबल माल है, मतलब पंप के थ्रू आप कंक्रीट कर रहे हो, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था कि हम पंप के थ्रू कर रहे थे कंक्रीट, तभी हमारा क्या हो रहा था, इतना ढीला माल था जिसमें पानी बहुत ज़्यादा था, तो उसका पंप के दौरान क्या रहता है हमारा 100-150 mm हमारा स्लंप रहता है। क्या कहता है IS कोड, कितना कहता है, 100-150 mm, और हमारा आया 160, वो तो एक्सेप्टेबल था, मतलब 160 कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा 190 या 200 के पास आया वो हमारा मिक्स बहुत ज़्यादा वेट था। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इसमें क्या करोगे, जो आपका TM या किस में आप मिक्सिंग कर रहे हो उसको 7-10 मिनट तक कंटिन्यूसली मिक्सिंग करते रहना है, तो उससे आपका माल थोड़ा टाइट होगा और वर्केबल होगा। तो ये था हमारा स्लंप टेस्ट का। और इसमें एक चीज़ इंटरव्यू में और चीज़ पूछी जाती है कि कितने टाइप के हमारे स्लंप होते हैं, तो हमारे स्लंप होते हैं चार टाइप के, ठीक है। तो चार टाइप में क्या था, जो आज हमारा स्लंप आपने देखा, तो वो जो पहले 160 जिसकी वैल्यू आई थी वो था हमारा ट्रू स्लंप। उसमें क्या होता है, जो आपका मटेरियल होगा, एग्रीगेट होगा या जो भी मिक्सचर होगा, वो प्रॉपर वे से मिक्स है, उसमें ना कोई सेग्रीगेशन होने के चांसेस है, ना ब्लीडिंग होने के चांसेस। तो हमारे जो चार टाइप के स्लंप होते हैं वो होता है कोलैप्स स्लंप, शेयर स्लंप, ट्रू स्लंप और जीरो स्लंप। अभी बताता हूँ मैं कोलैप्स स्लंप क्या होता है। जो हमारा कोलैप्स स्लंप होता है वो था हमारा जो 190 जिसकी वैल्यू आई ना, वो था हमारा कोलैप्स स्लंप। उसमें क्या था, हमारा जो मटेरियल था वो सेग्रीगेट था, और ना उसमें कोई बॉन्ड थी, मतलब सैंड अलग थी, एग्रीगेट अलग था, तो वो वैसा मिक्स को हम बोल सकते हैं कोलैप्स स्लंप, और हमारा वो वैल्यू भी कोलैप्स स्लंप के हिसाब से आई। शेयर स्लंप हो गया जिसमें क्या होता है हमारा, मतलब उसमें भी वही होगा, मतलब जो मटेरियल होगा उसमें बॉन्ड अच्छे से नहीं होगा, कोजिव लेस, उसमें कोजिव नहीं होगा मटेरियल, और वो क्या करेगा, एकदम से नीचे गिरेगा। जैसे आप सामने आप स्लंप देख रहे हो, इसको आप कोजिव लेस स्लंप बोल सकते हो या ट्रू स्लंप, ये दोनों के बीच का है। तो हमारा ट्रू स्लंप मैंने बता दिया, जो प्रॉपर बेस है, सब जिसमें बढ़िया है वो ट्रू स्लंप हो जाता है। फिर आता है हमारा जीरो स्लंप। जीरो स्लंप हुआ हमारा जिसमें क्या होगा, जब आप स्लंप टेस्ट कर रहे होंगे, जब आप इसको कोन को उठाओगे, तो जो एग्रीगेट होगा ना उसकी शेप वैसे ही बन जाएगी, जैसा आपका स्लंप है ना वैसा ही कोन कंक्रीट का बन जाएगा, तो वो हो गया हमारा जीरो स्लंप, याद रखना ये हो गया। तो ये चार पांच चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं, एज ए फ्रेशर जब आप साइट पे भी जाओगे
तो सबसे पहले टेस्ट यही होगा आपका जब भी कंक्रीट आएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताया ये आपको फॉलो करना है। और इस टॉपिक को अगर आपको थ्योरेटिकल वे से अच्छे से पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे मैंने सब ये जो मैं आपको बताया है सब उसमें मैंने थ्योरेटिकल वे से लिखा है, आप पढ़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हो गया होगा आज का टॉपिक मेरा किस पे है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, वो सब प्रोसीजर में आज आपको बताऊंगा। टोटल प्रोसीजर इसमें मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या कहता है, क्या क्या इसमें हमें फॉलो करते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसीजर कैसे हमने क्या क्या टेस्ट कैसे करना है, उसके बाद दिखाऊंगा कि हम रिजल्ट कैसे निकालते हैं, और नोट्स बताऊंगा, इंटरव्यू क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से क्या क्या आएंगे, सब चीज़ें आपको इसमें क्लियर होंगी, मैं गारंटी देता हूं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, साइट पर जाके आपको काफ़ी काम आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, सामने आप देख रहे हो क्यूब है हमारा, मतलब इस टेस्ट में क्या करते हैं हम, जो कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं 7 दिन में, 28 दिन में, 14, जब भी आपको टेस्ट करना होता है, लेकिन नॉर्मली हम 7 और 28 दिन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसीजर में आऊँ, मैं प्रोसीजर में क्या चीज़ें होती हैं, सामने आप देख रहे हो 150 mm by 150 mm का, या 15 cm by 15 cm का बोल सकते हो, क्यूब यूज़ किया गया है। तो ऐसे नॉर्मली हम 150 by 150 का ही यूज़ करते हैं, लेकिन 100 mm का भी यूज़ कर सकते हो, IS कोड कहता है। लेकिन अगर 20 mm से आपका एग्रीगेट छोटा है तभी, अगर बड़ा है तो आपको 150 by 150 का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं पहले प्रोसीजर आप क्या, मैं बीच बीच में आपको बताता भी जाऊँगा, सामने प्रोसीजर चल रहा है, पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका जो बेसिक है वो बताता जाऊँगा। जो क्यूब रहेगा आपको जो फिल करना है, मतलब कंक्रीट के टेस्टिंग के लिए, क्यूब को 3 लेयर में आपको फिल करना है। 150 का है आपका, तो आपको 50 mm की लेयर करनी है, और 35 स्ट्रोक उसको करना है। सामने आप देख रहे हो टैपिंग कर रहे हैं, और जो स्ट्रोक करने के लिए आपको जो यूज़ करनी है रॉड, वो 16 mm की रॉड होनी चाहिए और 600 mm लॉन्ग रॉड होनी चाहिए, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और अगर आप बाय चांस 100 mm का क्यूब यूज़ कर रहे हो, मतलब 100 बो भर रहे हो, उसमें आपको 25 स्ट्रोक करनी है हर लेयर में, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो मतलब अभी सामने आप देख रहे हो हम 6 क्यूब भर रहे हैं, उसमें हमें 3 लेयर में भरना है और उसको 35 बार स्ट्रोक देनी है, ठीक है। जब भी मतलब क्यूब आपको कास्ट करना है, एक चीज़ ध्यान देनी है कि उसमें प्रॉपर वे से अंदर से ऑयल किया होना चाहिए कि कंक्रीट उसमें चिपके नहीं। दूसरा, उसको फिक्स बराबर होना चाहिए उसका नट बोल्ट, कि उसका प्लस माइनस 2 mm से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और जब आप कास्ट करो उसके जॉइंट में से पानी लीकेज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना होता है जब आपको उसको क्यूब को फिल करना है। ये हो गया हमारा मतलब फिलिंग के दौरान का। अभी क्या होता है, जब एक बार आपका कास्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, उसको छोड़ देना है, मतलब टेम्परेचर में, कि उसको सेट होने के लिए 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के बाद उसको जो मोल्ड होगा उसको खोलना है। उससे पहले आपको क्या कर देना है, उसको मार्किंग दे देनी है कि कहाँ का क्यूब है, क्या है, जैसे आप सामने देख रहे हो प्रॉपर वे से उस पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया लग चले कि कौन से स्ट्रक्चर का ये क्यूब है। अगर इन फ्यूचर अगर बाय चांस ये फेल हुआ, मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट या ये स्ट्रक्चर मतलब वीक है, ये लोड अपना मतलब वेयर नहीं कर पाया और उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक वो नहीं पहुँच पाया है कॉन्क्रीट कुछ वजह से। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या करना है, जब आप दूसरे दिन उसको खोलो, 24 घंटे बाद उसको खोलो, तो उसको क्यूरिंग में डालने से पहले आपको क्या करना है, उसको तब तक वेट हैजन क्लोथ होगा जो गीला करके, एक मतलब बोरी ले लो, उसको ढक के रखना है, तब तक आप उसको पानी में नहीं डालो, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अगर ये चीज़ें आप मतलब टेस्टिंग के दौरान ध्यान में नहीं रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है टेस्ट को, मतलब काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है इन चीज़ों का भी, मतलब टेम्परेचर भी आपको प्रॉपर 27 से 30 होना चाहिए जहाँ पे वो क्यूब रखे हैं सूखने के लिए, मतलब 24 घंटे के लिए। उसके बाद जब उसको पानी में नहीं डाला है, बाहर रखा है, तो ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। और जब आप उसको देखो पानी में डालोगे क्यूरिंग के लिए, तो जो पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 27 से 30 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए पानी का, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, सामने आप जैसे क्यूब देख रहे हो पड़े हुए हैं इनका, क्योंकि हमारा टेस्टिंग का दिन रहता है 7 और 28 दिन,
ठीक है। तो इस दौरान आपको 7-7 दिन बाद पानी चेंज करता ही रहना है, मतलब तब तक भी आपकी टेस्टिंग रहे, हर 7 दिन बाद आपको पानी चेंज करना है। और ये ध्यान देना है कि जो पानी आप यूज़ कर रहे हो उसमें कोई भी केमिकल इम्प्योरिटीज़ या ऐसे भी नॉर्मल इम्प्योरिटीज़ नहीं होने चाहिए, पानी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको टेस्टिंग के दौरान देनी है। अगर ये चीज़ भी, क्योंकि अगर केमिकल वाला पानी होगा तो वो भी क्यूब की स्ट्रेंथ पे इफ़ेक्ट कर सकता है। और एक चीज़ ध्यान देनी है, जब आप क्यूब बाहर हैंडल करो कभी, मतलब खोलने के टाइम या डालने के टाइम, तो उसके कॉर्नर्स वगैरह ये चीज़ें नहीं टूटे, वो भी स्ट्रेंथ या टेस्ट पे इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये हो गया पार्ट हमारा थर्ड। अभी उसके बाद क्या करना है, आपको करनी है उसकी टेस्टिंग का, मेन जो पार्ट है हमारा टेस्ट का। तो टेस्टिंग के पहले आप क्यों ये ध्यान देना है कि जब भी टेस्टिंग करो उसको क्यूब जो आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें पानी वानी कुछ नहीं लगा होना चाहिए, क्लीन बिल्कुल होना चाहिए, उसके बाद ही आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो सामने देखो अभी हमारा क्यूब रेडी है टेस्टिंग के लिए। उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाके उसको जब मशीन में फिक्स करो तो प्रॉपर वे से वो पूरा पैरेलल होना चाहिए ऊपर वाली प्लेट से, कि लोड उस पर प्रॉपरली पड़ता रहे। इसमें मैं 3-4 क्यूब आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें देखनी है वो सब बताऊंगा मैं। इसको पहले टाइट कर लेना है जो बोल्ट होगा, उसके बाद जो, क्योंकि मशीन इसमें दो आती है, मैन्युअली भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक भी आती है, जो भी हो सिंपल प्रोसेसर रहता है वो हैंडल करना आपको आ जाएगा जब आप करोगे। मेन पर्पस है कि टेस्ट करना क्या क्या है, चीज़ें क्या क्या देखनी है। जैसे आप सामने देखो अभी दो मैं स्पेसिमेन चेक करके बताऊंगा, उसके बाद उसका रिजल्ट निकालेंगे हम, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने MQ पे कितने सैंपल भरने हैं आपको और कितने दिन में कितनी स्ट्रेंथ आती है, कैसे निकालना है, सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कैसे हम टेस्ट करते हैं। देखो ग्रेजुअली हमें लोड डालना है, और एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी आप लोड डालोगे उस पर तो लोड जो आपको प्रोवाइड करना है 140 kg पर स्क्वायर mm या सेंटीमीटर आपको प्रोवाइड करना है। ये डिपेंड मशीन पे आप हैंड ईजिली कर सकते हो। देखो हमने लोड डाला उसको 140 kg पर स्क्वायर mm के हिसाब से, तो लोड धीरे धीरे उस पे जो स्पेसिमेन कंक्रीट का हमने क्यूब डाला है उस पे पड़ता जा रहा है। देखो सामने दिख रहा होगा आपको 300 kN 400 kN, ये धीरे धीरे उस पे लोड पड़ता जा रहा है। और ये अपने आप अगर ऑटोमेटिक है वो अपने आप रुक जाएगी, इसमें भी आपको इजीली पता चल जाता है। मैन्युअली में मैं देखो लोड उसमें, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बहुत उसमें क्रैक दिखेगा आपको, उससे आपको हमें पता चल जाएगा। देखो सामने उसमें क्रैक पड़ गया है, और यही मतलब उसका हमारा टेस्ट का था। और सामने जैसे उसमें क्रैक आया, इसमें जो इसका नीडल है वो नीचे आता रहा और दूसरा नीडल ऊपर ही है, तो उससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि कितने लोड पे वे फेल हुआ। और टेस्ट के दौरान आपको ये लिखते रहना है कि कितने लोड पे फेल हुआ, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसका रिजल्ट निकालेंगे कि आपका जो टेस्ट है कंक्रीट मतलब स्ट्रेंथ टेस्ट वो पास है फेल है, या ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा। देखो सामने आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत 650 आपका रीडिंग आया, ये नोट करके रखो, आगे मैं रिजल्ट इसका बताऊंगा। एक और स्पेसिमेन को मैं टेस्ट करके बताता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको हमने डाल दिया अच्छे से वेटर वे से पैरेलल करके, उसके बाद हम इसको प्रॉपरली टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमने उस पर लोड अप्लाई कर लिया, लोड अप्लाई कर लिया, उसके बाद ऑन करके उस पर हम वेट करेंगे कि कब वो स्पेसिमेन हमारा जो टेस्ट का वो फेल होगा। और यहाँ हम लोड उस पर नोट करते जाएंगे कि कितने लोड आ रहा है और कितने पे वो फेल होता है, वो हमारा आगे रिजल्ट के काम आएगा कि कैसे हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, इस पे हमारा देखो स्पेसिमेन में क्रैक आ गया, ये इस पे हमारा फेल हो गया, ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे। उसके बाद अभी हम, मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा, ये हमारा जो रजिस्टर जिस हिसाब से रहता है कैसे हम मेंटेन करते हैं साइट्स पे वो है, अभी मैं बताता हूँ इसका थ्योरेटिकल पार्ट कि कैसे हम, ये बेसिक चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आप देखो इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। तो स्टार्ट करता हूं मैं, और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट civilsidevisit.com पे भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जरूर वो आप
एंड तक वीडियो देखना, और जॉब्स के आपको उसमें लिंक वगैरह भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपका टाइम बिना खाए हुए। तो ये अगर पहले मैं बता लेता हूं, अगर 0 से 5 MQ की आपकी क्वांटिटी है कंक्रीट के, तो एक सैंपल आपको भरना है क्यूब का, मतलब एक सैंपल में 6 नग आ गए हमारे, ठीक है। 3 हमारे 7 दिन में आपको टेस्ट करना है और 3 28 दिन के लिए। अगर आपको करता है आपका होता है कि 3 दिन में भी आपको टेस्ट करना है, तो आपको एक सैंपल में 9 बनाने, 9 क्यूब आपको फिल करने हैं। नेक्स्ट है 6 से 15 MQ क्वांटिटी होगी, तो 2 नंबर ऑफ सैंपल, तो 2 × 6 कर देने, आपको 12 क्यूब आपको भरने हैं। अगर आपका हमारा आता है 16 से 30, तो हमारा 3 × 6 कर लेना है, इतने आपको क्यूब भरने हैं। अगर 31 से 50 MQ की हमारी क्वांटिटी होती है, 4 × 6 कर लेना है, इतने आपको सैंपल भरने हैं। अगर मोर देन 50 हो जाता है तो क्या करना है, 4 भरने हैं, 4 × 6 = 24, प्लस हर 50 MQ पे आपको एक ऐड करते जाना, मतलब 6 बढ़ते जाने। और ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी आप मतलब क्यूब भरो। नेक्स्ट चीज आती है जो हमारा रिजल्ट का था, उसका फार्मूला है लोड अपॉन एरिया। सिंपल फार्मूला है, नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से। तो जो लोड जैसे मैंने बताया था उस पर हमने नोट करते जाएंगे। हमारा एक आया था 650, एक आया था 600, तो 600 लेके चलता हूं, 600 / 22.5, ये आ गया हमारा क्यूब का एरिया, ठीक है, ये आ गया हमारा क्यूब का एरिया। अगर 150 mm / 150 mm है, तो हमारा अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अगर 100 mm का क्यूब है, 100 × 100 करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो उसको डिवाइड कर देना है, जो भी लोड आया होगा उसको डिवाइड कर देना है एरिया से, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारा आया 26.6 N/mm। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट आया इसमें, जो हमारा जो स्पेसिमेन यूज किया था। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा पास हुआ फेल हुआ, क्यूब टेस्ट फेल है या पास है, वो निकालेंगे हम ऐसे। देखो, एक दिन में हमारा कंक्रीट पकड़ लेता है 16% स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें एक दिन में कंक्रीट की, 3 दिन में 40% आ जाती है, 7 दिन में 65% आ जाती है, 14 दिन में 90% आ जाती है, 28 दिन में 99%, ये इर्द गिर्द होती है, थोड़ा बहुत आगे परसेंट में फर्क रहता है सिचुएशन के हिसाब से। तो हम इसमें M30 कंक्रीट यूज कर रहे थे, तो अब निकालेंगे हमारा जो स्पेसिमेन हम टेस्ट किया वो पास हुआ कि फेल हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, 30 और 7 दिन के लिए हम टेस्ट कर रहे थे, 30 × 65 / 100, तो हमारा आया 19.5, अगर अप्रोक्स कर लें तो 20, तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी आई वहां 26.6, तो 20 छोटा है, मतलब हमारा वो स्पेसिमेन जो टेस्ट किया वो पास हो गया। वैसे अगर हम 28 दिन के लिए करेंगे तो क्या करना है, 30 × 28 / 100, जो भी आएगी आपकी वैल्यू उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमें IS कोड कहता है कितनी वैल्यू होनी चाहिए और आई कितनी, इससे हमारा सिंपली निकल जाएगा कि आपका जो टेस्ट किया आपने वो स्पेसिमेन पास है कि फेल है। तो गाइस, ये था छोटा सा टॉपिक था, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था हर साइड पे, हर अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, बिल्डिंग में, टनलिंग में, ब्रिज में, रोड में, रेलवे में, हर जगह ये टेस्ट आपको काम आएगा, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। कुछ भी इसमें दिक्कत आती है, अगर जल्दी जल्दी में मैंने बोलने में थोड़ा आगे पीछे कर दिया होगा, तो आप जाके हमारी वेबसाइट civilsitebusy.com पे जाके पढ़ सकते हो पूरा, उसमें IS कोड भी मिल जाएगा और आपको ये पूरा उसमें टॉपिक मिलेगा। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने कुछ अपनी वेबसाइट पे स्पेसिफिकेशंस ऐड किए हैं, जो स्पेसिफिकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटरव्यूज में काफी ज्यादा काम आएगी, और प्रैक्टिकल नॉलेज उसमें इतना है कि आपको सब वो चीज जरूर पढ़नी चाहिए। कम से कम वो 15-16 चीजों पे मेरे स्पेसिफिकेशंस हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज की जाती हैं वो स्पेसिफिकेशंस, वो मैंने अपनी वेबसाइट पे ऐड की है, जॉब के लिंक्स हैं, आप जाके चेक करो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो थर्मामीटर है, मतलब कंक्रीट का टेम्परेचर हम थर्मामीटर से कैसे चेक करते हैं, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जहाँ ACI से या ASTM से, तो वो आज हम बात करेंगे। पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करते हैं प्रोसीजर इसका, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो फ्रेश कंक्रीट होगा आपको ले लेना है उसको, तो उसमें क्या करना है आपको, आपका जो थर्मोमीटर होगा मिनिमम
3 इंच आपको इंसर्ट करना है उसके अंदर, ठीक है, और 2 मिनट तक उसको उधर ही रहने देना है। और ये कभी कभार बहुत टाइम ये गलती हो जाती है कि उसको बाहर निकाल देते हैं फिर टेम्परेचर देखते हैं, ये नहीं करना है, मतलब उसको 2 मिनट तक अंदर रखना है और उसका टेम्परेचर नोटिस करना है। और होता क्या है, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है अकॉर्डिंग ASTM मतलब अमेरिकन सोसाइटी टेस्टिंग मशीन के हिसाब से आपका 26 से 35 डिग्री तक आपका होना चाहिए, मतलब इसका टेम्परेचर परफेक्ट है। और इस थर्मामीटर की एक्यूरेसी कितनी है, 1 degree Fahrenheit, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आपको वह बताएगा। और आपका मतलब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो 35 आपका एक्यूरेट रहता है, मतलब 35 चलता है, और मिनिमम कितना 26 से 35 तक, मतलब इतना आप ले सकते हो। ये रही बात अगर मतलब कंक्रीट टेम्परेचर की। अगर दूसरी चीज़ हम देखा जाए तो मतलब जो बेस्ट हमारा प्लेसिंग और क्यूरिंग का जो रहता है, तो अगर आप 15 से 25 डिग्री के सेल्सियस में कास्टिंग करोगे तो वो परफेक्ट है। उससे क्या होगा, आपके कंक्रीट में क्रैक्स भी नहीं आएंगे और क्या होगा, मतलब हाई स्ट्रेंथ अच्छी स्ट्रेंथ भी पकड़ेगा। अगर टेम्परेचर बाई चांस समर में 35 डिग्री से ऊपर है तो अगर तब करोगे आप तो क्रैक और श्रिंकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ कि अभी हमारा टेम्परेचर कितना आता है। पहले इंसर्ट कर लो 3 इंच उसको और उसको रहने दो, मतलब हमारा दोबारा उतना टेम्परेचर मिलता है जितना अभी हमने चेक किया कि नहीं। देखो हमारा टेम्परेचर मतलब बढ़ता जा रहा है, और यही चीज़ है, मतलब अगर आपका टेम्परेचर 35 बराबर है तो मतलब इसमें क्रैक्स भी आपको कम, श्रिंकेज क्रैक्स जो रहते हैं वो कम देखने को मिलेंगे, और मतलब जो हमारा स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी आएगी। तो यही हम टेस्ट में क्या किस लिए देखते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है काम करने लायक है जहाँ इसको हम रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है, 33.6, मतलब अभी मैंने 2 मिनट तक रखा इसको लेकिन इंक्रीज हो रहा, 35 डिग्री हमें लास्ट में इसका मिल गया था। अभी मैं थोड़ी देर बाद उसका दिखाता हूँ क्यूरिंग का, मतलब कास्टिंग के दौरान जो हमने 2 टेस्ट किए उसमें हमारा कितना मिल रहा है वो भी, क्योंकि उसमें क्या होगा हमारा थोड़ा बहुत आगे पीछे इंक्रीज होता रहता है। जब आप मतलब कास्टिंग के दौरान आपका टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर भी ऐड होगा तो उससे भी थोड़ा बैरी कर सकता है, इसमें कोई चिंता नहीं है। मतलब 35 कास्टिंग के दौरान आपको 36 मिलता है 37 मिलता है वो एक्सेप्टेबल है। और ये एक इंडियन स्टैंडर्ड या ACI में कुछ दिया नहीं है, लेकिन ASTM ने जो हमें वैल्यू दी है वो 26 से 35 है। और इंटरव्यू का भी यही क्वेश्चन रहता है कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना एक्सेप्टेबल होता है। अभी मैं कास्टिंग हमारा चल रहा है उसमें मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको, टेम्परेचर कितना मिल रहा है हमें मिल रहा है 35.8, मतलब 9.36। तो वही ना, बाहर के टेम्परेचर से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो इतना कोई कुछ नहीं है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर फ्रेश कंक्रीट जैसे ही आता है उसका लोग है तो वो 35 से कम ही होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं ले सकते हम। तो सेकेंड टाइम हमने जब टेस्ट किया वो कास्टिंग हो गया है, फिनिशिंग हो गया, उसके बाद कितना मिल रहा है हमें, 36 से 37, वही मतलब सेम रिजल्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी डिमांडेड आपका टॉपिक लेके आया हूँ मैं, रिमाउंड हैमर या स्कैमिड हैमर। तो कैसे हम साइड पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं कंक्रीट की, या बोल लो हार्डनेस उसकी कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इससे जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आती है। तो इसको हम मेनली यूज़ करते हैं कंक्रीट की हार्डनेस चेक करने के लिए। तो ये टेस्ट किया जाता है जब हमारी क्यू टेस्ट फेल हो जाता है, उसके बाद हम इसको ज़्यादातर करते हैं। सामने आप देख रहे हो हमारी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ रहती हैं, मतलब आर वैल्यूज, इसी पे डिपेंड होता है कि आपकी क्या आपका कंक्रीट की रीडिंग है, मतलब उसकी कैसी स्ट्रेंथ है, इस वैल्यूज पे डिपेंड होगी। ये मैं आपको आगे से अच्छे से बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, मतलब ग्राफ दिखाया है वो पीछे, और ये बटन किस लिए रहता है, जब आप उसको प्लग करोगे मतलब उस पर दबाओगे तो अगर वैल्यू देखने के लिए इसको हम दबाएंगे तो ये एक जगह पर रुक जाएगा, इजीली आप वैल्यू देख सकते हो। और यहाँ वार्निंग दी है कि ड्यूरिंग उसको जब उसको दबाओगे तो तब उसको बंद नहीं करना, जब एक बार दबा के खींचने टाइम आपको लॉक कर सकते हो। ये हमारा प्लंगर होता है। तो अभी मैं इसका आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, मिनिमम आपको 6 वैल्यूज़ लेनी है और मैक्सिमम आपको 15 वैल्यूज़ लेनी ही लेनी है अगर आपको इसमें अच्छा रिजल्ट लाना है। तो आज मैं अभी आपको 6 वैल्यू लेके दिखाऊंगा, तो उसी हिसाब से मैं पहले मार देता हूँ, इसकी वैल्यू कर लेता हूँ। मेन ये किसके लिए होता है, मतलब उसकी कंक्रीट की हार्डनेस चेक करने के लिए। तो मैं 6 मार्किंग कर लेता हूँ कि हमें यहाँ यहाँ करना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जहाँ भी आप इसको टेस्ट करोगे वो सरफेस आपका बिल्कुल स्मूथ साफ होना चाहिए। और दूसरा मतलब जो आपको 20 mm कॉर्नर से अंदर ही उसको टेस्ट लेना है। तो इसकी जो हमने वैल्यू पहले हमने जो टेस्ट किया इसका कितना है हमारा, 38,
ठीक है, ये नोट कर लेना है, जितनी आपकी वैल्यू आएंगी 6 उनको नोट कर लेना है और उनका मीन करके जो एक वैल्यू रहेगी आर वो डिसाइड करेगी कैसे नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई हमारी 60। तो ये वेरी करती है, अगर इसमें एग्रीगेट सामने एग्रीगेट होगा या वॉइड होगा तो वैल्यू काफ़ी वेरी करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 15 आपको लेनी ही लेनी है। ये हमारी 52 वैल्यू आई। तो वैसे हम जो अपनी नेक्स्ट रीडिंग लेंगे तो वो कितनी आती है हमारी, वो आई हमारी 52। वैसे ही इसको 6 बार करना है और उसका मीन करके आपको वैल्यू ले लेनी है। मैं लास्ट में दिखाऊंगा ग्राफ, अभी हम इसको आप वैल्यू नोट करते हैं और साथ साथ में लास्ट में ग्राफ दिखाऊंगा कि हमारा जो कंक्रीट था एक कैसी क्वालिटी का है, क्योंकि वो ग्राफ ही डिसाइड करेगा कि इसमें क्या है। ये हमारी 44 वैल्यू आई, तो हमारी 6 वैल्यू होगी। इसमें अभी हम इसको सबको ऐड कर लेते हैं और डिवाइड कर लेंगे जितनी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो जो वैल्यू इन सबका रिजल्ट आएगा, मतलब 30, 40, 35, 36 जो भी, वो डिसाइड करेगा। सामने आप टेबल देख रहे हो, ठीक है। हमारी वैल्यूज किस में आ रही थी, हमारी आ रही थी ग्रेटर देन 40। तो क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसे हुआ, वेरी गुड। मतलब जो हमारा कंक्रीट है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर लेस देन 20 आती है तो हमारी कंक्रीट की क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो ये टेस्ट मेनली यूज़ किया जाता है हार्डनेस चेक करने के लिए, ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की। तो ये काफ़ी वेरी करता है वॉइड्स की वजह से, एग्रीगेट की वजह से और यूज़ करने के तरीके से। हमेशा ध्यान रखना है कि 90 डिग्री, मतलब हॉरिजेंटली आपको इसको पुश करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।